इसका हम आपको एग्जॉस्ट सुनाते हैं। तो गाइस आप पीछे देखो भाई, ये लो जी, ये ओए होए होए, ये पीछे से व्यू है, खुल गया भाई, खुल गया। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कोठारी कार वाला व्लॉग्स। और आज हम आए हैं द कार क्लब। शोरूम है वो पूरा 15,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। 8 कनाल का जो है ये शोरूम है, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शोरूम आप कह सकते हो सेकंड हैंड लग्जरी कार्स का। तो जो ये लग्जरी कार्स है वो मैं कहता हूँ आपको सेकंड हैंड लगती ही नहीं है। जिस हिसाब से अगर आप इनके लुक्स देखोगे ऐसा लगेगा आप शोरूम में नई कार्स खरीदने आए हो। तो ये देखिए वहाँ है मिनी कूपर, मर्सिडीज, यहाँ अगेन मर्सिडीज, वो मर्सिडीज, ऑडी, रेंज रोवर, मर्सिडीज, मतलब बहुत ज़्यादा कार्स है। अब इन सब कार्स की जो है मैं आपको डिटेल्स दूंगा, तो वीडियो तक एंड तक बने रहिए। तो गाइज आपने सिनेमैटिक शॉट्स देखे, आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो अभी जो है हम आपको कार्स के बारे में बताएंगे कि कौन सी कार्स का क्या मॉडल है, कितनी चली हुई है और जो प्राइस है वो क्या रहेगा कार्स का। साथ के साथ जो आपको हम इसका इंटीरियर्स भी दिखाएंगे जो कार्स के। तो सबसे पहले अभी आपको मिलवाते थे कार क्लब के जो हमारे भैया हैं, तो वो संदीप भैया हैं, तो वो हमें कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सी कार क्या कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है और जो इसका क्या प्राइस रहेगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन संदीप भैया से लेते आ रहे हैं हमारी, वो है BMW Z4 कन्वर्टेबल। तो इसका जो प्राइस है वो पूछते हैं हम इनसे। और संदीप जी इसका क्या प्राइस है, क्या डिमांड है इसकी? ये BMW Z4 है 2013 मॉडल, ये चली हुई है अराउंड 18,000 किलोमीटर ऑन सर्विस रिकॉर्ड एंड फर्स्ट ओनर है। और इसकी डिमांड हमने रखी है 30 लैक्स, विच इज़ नेगोशिएबल। बाकी आप गाड़ी देखो, गाड़ी सिर्फ 18,000 चली है, कंडीशन वाइज बिल्कुल न्यू है। तो गाइस अभी हम BMW Z4 जो है ओपन करने वाले हैं। ये देखिए क्या मस्त चीज निकली है, एग्जॉस्ट भाई साहब, एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा बम। तो गाइस आप पीछे देखो भाई, ये लो जी, ये ओए होए होए, ये पीछे से व्यू है, खुल गया भाई, खुल गया, खुल गया। ये तो भाई साहब क्या मस्त फीलिंग आई है। देखिए BMW Z4 आफ्टर ओपन, क्या धासु चीज लग रही है यार। तो गाइज अभी जो हमें कन्वर्ट हो चुकी थी ओपन में, अब इसको हम क्लोज कर रहे हैं। तो गाइज अब देखना क्लोज करते हैं,
पहले स्टार्ट करेंगे हम इसको, स्टार्ट बटन ओके। तो गाइस जो नेक्स्ट कार है वो है हमारे पोर्शे बॉक्सटर जो है येलो कलर में, ये भी जो है कन्वर्टेबल होगी और जो इसका सॉफ्ट रूफ टॉप होगा। बाकी इसका जो और इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं हम संदीप जी से। संदीप जी क्या इसका डिमांड है और क्या उनका मॉडल है? ये पोर्शे बॉक्सटर है 2007 मॉडल है ओके, और जो चली हुई है अराउंड 50,000 किलोमीटर के 50,000 चली। हाँ जी, और ये पेट्रोल है ठीक है, और इसकी जो सी डिमांड है वो हमने रखी हुई है 25 लाख ओके, विच इज नेगोशिएबल। तो गाइज ये है पोर्शे बॉक्सटर, तो बॉक्सटर को अभी रिंकू भैया जो है हमारे स्टार्ट करेंगे। इसका हम आपको एग्जॉस्ट सुनाते हैं, तो ये देखिए एक्सेलरेशन देना, तो ये स्टॉक का एग्जॉस्ट है इसका। तो अभी हम जो इसको कन्वर्ट भी करेंगे ओपन, जो ये कन्वर्टेबल है ये पोर्शे बॉक्सटर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो संजीत करेंगे वो जो कन्वर्ट करेंगे। संजीत हमारे जो यूट्यूबर है भाई संजीत एसकिंग, तो वो आप करेंगे इसको कन्वर्ट। तो दरवाज़ा बंद, तो गाइस अभी संजीत जो है कन्वर्ट करने वाले हैं इसको। ये तो गाइस ये देख सकते हो, ओह माय गॉड, ये संजीत एस्किंग, संजीत कल ओपन आप देख सकते हो क्या लुक आ रही है इसकी, बहुत ही बेहतरीन। तो एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, वाह क्या लुक आ रही है। ये इंटीरियर स्पोर्टी पूरा ब्लैक। गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट कार होगी वो रेंज रोवर की इवोक होगी, तो जो इसका कलर देख सकते हो और आप जो इंटीरियर भी दिख रहा होगा ना, इंटीरियर देखते भी देख सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी में है ये। तो संदीप जी अभी इसके बारे में भी हमें बताएंगे, संदीप जी इस कार की क्या डिमांड? ये रेंज रोवर 2015 मॉडल इवोक है SD4, ये CH रजिस्टर्ड है और ये चली हुई है 48,000 माइल्स विच अराउंड 70,000 किलोमीटर। गाड़ी सारी ही कंपनी से ही मेंटेन्ड है और इसकी कॉस्ट रखी है अराउंड 32 लाख, क्योंकि ये CH नंबर है और जो लोकल गाड़ी है, कोई बाहर का नंबर या कोई बाहर की वो नहीं है, ये लोकल ही चली हुई है जो भी है। इसके आप कंडीशन देख सकते हो जो आपको दिखाएंगे। तो गाइस अभी जो संदीप भैया है वो हमें सारी कार्स की जो है नॉलेज दे देंगे, तो संदीप भैया बताओ ये कौन सी कार है? बाकी ये है ओडी Q7 2017 मॉडल, ये न्यू शेप है, ये चली हुई है 68,000 किलोमीटर विद सर्विस रिपोर्ट और ओरिजिनल है और जो फर्स्ट ऑनर है। इस गाड़ी की जो सी डिमांड है वो हमने रखी हुई है 51 लाख अराउंड। गाड़ी है वोल्वो XC90, मैन्युफैक्चर ये है इसका 2016 है और रजिस्टर्ड 2019 है, ये चली हुई है अराउंड 30,000 किलोमीटर एंड ऑल सर्विस रिपोर्ट एंड मेंटेन्ड बाय कंपनी एंड इट्स प्राइस 60 लाख विच इज नेगोशिएबल ऑन टेबल। नेक्स्ट गाड़ी है हमारी पोर्शे केन, ये 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल है और ये चंडीगढ़ ही रजिस्टर्ड है okay. और ये चली हुई है अराउंड 76,000 किलोमीटर एंड विद इंश्योरेंस ऑल आर वैलिड एंड इट्स प्राइस अराउंड 29 लाख अराउंड 29 लाख। बाकी आप कम ज्यादा बाद में करेंगे अगर आप एक बार आगे विजिट करोगे तो। बट दैट मच विच इज मोस्ट पीपल आर थिंकिंग अबाउट 25 में मिल जाएगा।
और ऐसा भी नहीं है कि अपनी जो हेडलाइट्स वगैरह हैं येलो पड़ गई हैं या टायर बहुत घिस गए, मतलब लेने के बाद संदीप भाई कोई खर्चा तो नहीं होने वाला कि टायर चेंज कराओ बाद में कुछ ना? हमारी सारी चीज़ की गारंटी है, बॉडी की, इंजन की, गियर की, हर चीज़ की हम गारंटी देंगे। जो भी है चीज़, जो भी थोड़ी बहुत होती है वो हम चीज़ बोल के देते हैं, क्योंकि गाड़ी अगर रोड पे चलती है तो थोड़ा बहुत है कि पर स्क्रैच या कोई चीज होती है, हाँ। इस चीज की टचिंग होती है, पर एक्सीडेंट या इस इंजन बॉडी गियर की हमारी सारी चीज की गारंटी होती है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आप कंपनी में चेक करवाएं, फिर आके डील करनी है, फिर करें। तो संदीप जी आप बताइए, जो वॉल्वो है ये कौन सा मॉडल है और कितने चली हुई है, तो उसके बारे में बता दीजिए, थोड़ी इसकी कंडीशन के बारे में बताइए। कंडीशन वाइज तो आपको पता ही है, जैसे सारी गाड़ियां हैं हमारी कंडीशन वाइज सारी सर्विस में दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इंटीरियर भी इसमें हमने आपको दिखाएंगे, इंटीरियर भी आएगी वीडियो पे। हमारी सारी जो भी गाड़ी है सारी की इंजन बॉडी हर चीज़ की गारंटी होती है, और जितनी चली रही है किलोमीटर सारी इस कंपनी रिकॉर्ड है जी। तो अगर कोई है एक आदमी नहीं होते वो हम बता के वो करते हैं, डील करते हैं। तो सर जैसे ये मॉडल है 2016 मॉडल है, और कितनी चली हुई है कार? ये चली हुई है जी 30,000 ओनली, 30,000 ओनली चली हुई है। और कितने में दोगे ये आप कार? ये गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं 57 लाख डिमांड कर रहे हैं, 57 लाख की डिमांड कर रहे हैं। और जो नेगोशिएबल होगा वो ऑन दी टेबल होगा, पहले नहीं होगा। अगर आप अगर लेना चाहते हो तो आके ऑन दी टेबल इसकी जो है आप खरीद सकते हो उसको, 57 लाख की दे रहे हैं। तो एक बार लुक देख सकते हो, बहुत अच्छी लुक है ये। तो गाइस जो हमारी नेक्स्ट कार है वो है रोवर, जो है चेरी कलर में, रेड में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ये भी, और इसका जो इंटीरियर है वो भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है। तो संदीप जी कौन सा मॉडल है ये जो रेंज रोवर का, और बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। ये है रेंज रोवर इवोक, ये 2015 मॉडल है, और ये HR रजिस्टर्ड है, 0003 जो नंबर है इसका, VIP नंबर है, विद नंबर है जी, ये विद नंबर है। इसकी डिमांड कर रहे हैं 32 लाख, और ये चली है अराउंड 48,000 माइल्स, विच कन्वर्टेड इनटू 70,000 किलोमीटर अराउंड। ओके ओके। और कंडीशन वाइज आपने देखी होगी, जौन सी भी गाड़ी है वो हमने आपको सारी डिटेल वाइज बताई हुई है, कि जिस चीज़ की हमारी सारी चीज़ की गारंटी है, आप कंपनी में जो भी है चेक करवा सकते हैं। तो गाइज आप 32 लाख में रेंज ओवर लेके जा सकते हो वॉक, और वो भी नेगोशिएबल है ऑन द टेबल। तो जो इसकी लुक है और कंडीशन है बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, नंबर 0003 है। तो गाइज ऐसी डील मत छोड़ना, तो जरूर आके एक बार विजिट जरूर करना। अब संदीप जी बताएंगे जो जगुआर है उसकी डिटेल्स। तो संदीप जी कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है कार? कंडीशन आप देख रहे हो, आप अंदाजा लगाओ कि कौन सा मॉडल हो सकती है। 2012 मॉडल है, ठीक है। और कितनी चली है संदीप जी? ये चली हुई है अराउंड 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है, सर्विस रिकॉर्ड चली है। जगुआर है, जो इसकी आप इंटीरियर देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है इंटीरियर, और ये कार नहीं है, ये कार है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी है। लास्ट जो हमारी कार है वो मिनी कूपर की है, वो है कंट्रीमैन कूपर एस। तो अभी जो संदीप जी इसका डिटेल्स देंगे, संदीप जी कौन सा मॉडल है ये? 2018 मॉडल है, 2018 मॉडल मतलब नया ही मॉडल है। ओके, और कितने चली है ये? चली हुई है 34,000। ओके, 34,000। और सारी जो भी कंपनी मेंटेन्ड है और सर्विस रिकॉर्ड है। ओके, और जो इसका आस्किंग प्राइस है वो आस्किंग प्राइस इसका 28,000। 28 लाख में आप मिनी कूपर लेके जा सकते हो। गाइस आपको लग रहा होगा कि जो प्राइस है वो थोड़ा हाई है, लेकिन जो इनकी कंडीशंस है बहुत बढ़िया कंडीशन में। और इन्फॉर्मेशन लेते हैं संदीप जी से। संदीप जी क्या हाल है जी? बढ़िया। और संदीप जी तो द कार क्लब में हमारे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स हैं, तो थोड़ा बताएं आप लग्जरी कार्स की, हाँ जो सिर्फ लग्जरी कार्स ही सेल होती है या फिर कुछ और भी है? मोस्टली हमारा लग्जरी ब्रांड में ही हम डील करते हैं, पर हम सारी ही हमारी जो सी रेंज है 4 लाख से शुरू हो जाती है, स्विफ्ट जो सी है सारी है, पर हमारी प्रेफर्ड जो सी है वो लग्जरी ही है। ओके, प्रेफरेंस जो है इनकी वो लग्जरी में ही है, इनके पास कार्स जो है और भी मिलेगी आपको, जो इनके पास जो कार स्टार्ट होती है वो होती है 4.5 से लेके आप लाख में, तो आप जितने मर्जी 50 लाख उससे ऊपर भी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ लग्जरी कार्स भी है। तो आप देख सकते हो लग्जरी कार्स काफ़ी ज़्यादा है, आपने सिनेमेटिक शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो यहाँ जो है हम जो कार खरीदेंगे तो उसकी वारंटी गारंटी कुछ मिलेगा हमें कि नहीं?
की जोनसी में हमारे पास जोनसी कार है उसका सारे सर्विस रिकॉर्ड की और बॉडी की इंजन की गियर की सारी चीज़ की हमारी गारंटी रहेगी। अगर आपने अगर आपको गाड़ी कोई पसंद आती है आप डील करें, अगर कंपनी में चेक करानी है आप चेक करवाएं, अपनी तसल्ली करके फिर लें, नहीं तो हमारी तो जोनसी गारंटी है वो। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई कार ले रहे हो तो वो इनके थ्रू एक बार आप कंपनी में जाके वो चेक करवा सकते हैं कि कोई इसमें इशू तो नहीं है। बाकी इनके जो ये कह रहे हैं कि बॉडी की और इंजन की और जो गियर बॉक्स है उसकी पूरी गारंटी इनकी है। बाकी जो यहाँ कार की कंडीशन है मैंने भी देखी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है कंडीशन। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 163 सेक्टर 82 BLPL मोहाली और हमारी वेबसाइट भी है द कार क्लब, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जो सी हमारी लेटेस्ट कार्स होती हैं वो सारी वहाँ पर अवेलेबल है, आप विजिट करें और देखें सारी कार्स। और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी पेजेस है द कार क्लब के नाम से, जहाँ पे हमारी सारी डिटेल हम शेयर करते हैं। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार विजिट जरूर करें, सारी गाड़ियों पर देखें, चेकआउट करें, हम आपको बेस्ट डील देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी कार्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी। तो ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे जो चैनल है वो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत मुश्किल से कार्स लेके आ रहा हूँ, तो सब्सक्राइब चैनल जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भैया भैया मैं